वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक की जो एक्सेल में है, जिसमें हम आज आपको बताएंगे यूज़फुल 10 शॉर्टकट की जो इम्पोर्टेंट है एक्सेल में, जो हमको सीखना है। पहला जो है मेरा, उससे हम क्या करेंगे तो कंट्रोल प्लस फुल स्टॉप, इससे होगा जंप टू नेक्स्ट कॉर्नर। जब आप किसी एरिया को सेलेक्ट करके रखेंगे और उसके अंदर आप कंट्रोल के साथ, जब अपने कीबोर्ड से, मैं आपको कीबोर्ड ला के दिखाता हूँ, यहाँ पे ये कीबोर्ड है मेरे पास, ये, और इसमें जब आप कंट्रोल के साथ फुल स्टॉप को प्रेस करेंगे तो आपको कॉर्नर चेंज करके दिखाएगा। जैसे इस कॉर्नर में है, आप कंट्रोल के साथ जब फुल स्टॉप दबाएंगे तो इस कॉर्नर में आएगा, फिर कंट्रोल के साथ, मतलब होल्ड करके रखना है कंट्रोल को। इस कीबोर्ड में होल्ड नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप अपने कीबोर्ड से होल्ड करके आप कॉर्नर बाई कॉर्नर राउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा है वो है कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक, जो सेलेक्ट करेगा करेंट रीजन को जहाँ पे डेटा होगा। जैसे मेरे पास इसमें डेटा है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करके और कंट्रोल के साथ स्टार मार्क को क्लिक किया जाए तो ये पूरे डेटा को सेलेक्ट करके दिखाएगा आपको। देखिए इसमें क्लिक है, यहाँ से हम कंट्रोल दबाए और स्टार दबाएंगे तो स्टार तो यहाँ पे है, तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा के स्टार दबाना होगा। आपके नंबर कीपैड में, कीबोर्ड में इधर की होगा स्टार का, तो वहाँ कंट्रोल के साथ दबा सकते हैं। तो इसे स्टार को दबाएंगे तो जितना रीजन में डेटा होगा पूरा डेटा को ये सेलेक्ट कर लेगा। ये आपको कंट्रोल ए जैसा दिखाई देता है, जैसे अगर इसे डेटा में रह के अगर हम कंट्रोल ए दबाते हैं तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट करता है। लेकिन अगर हम ब्लैंक जगह पे हैं जहाँ पे डेटा रिलेटेड नहीं है और यहाँ कंट्रोल ए दबाते हैं तो होल सीट, पूरा सीट को सेलेक्ट कर देता है। और अगर आप कंट्रोल और स्टार को दबाते हैं तो ये सीट को नहीं सेलेक्ट कर पाता है। तो इसमें ये डिफरेंस है, ये केवल डेटा वाले ही रेंज को सेलेक्ट करता है जहाँ पे डेटा है। नेक्स्ट जो मेरा है अगला, वो है कंट्रोल प्लस इंटर, कॉपी फार्मूला इनटू इंटायर सेलेक्शन। कॉपी करेगा फार्मूला को, जैसे हमने यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है, या हम यहाँ कुछ लिख देते हैं, ये हमने डेटा पुट किया और इसके साथ कुछ डेटा और डाल देते हैं जिसके साथ हम इसको कुछ कर सकें। ये हमने डाल दिया और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इससे, स्टार इससे, और हम चाहते हैं कि यही वाला जो आंसर, ये वाला जो है फार्मूला, वो कॉपी हो जाए सब में। तो ऐसा आप रेंज सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट वाला में ये सेलेक्ट दिख रहा है, इसमें जाके और कंट्रोल के साथ इंटर मारेंगे आप कीबोर्ड में, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो पूरा फार्मूला कॉपी होगा और आंसर लेके आएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस ब्रैंक टू एक्टिव सेल इनटू व्यू, एक्टिव सेल पे वापस लाएगा। जैसे अभी मेरा एक्टिव सेल ये है, 7 है, और हम नीचे आ गए स्क्रॉल से, बहुत नीचे आ गए, आप देखते हैं 200-300 पे आ गए। अब हमको वापस अपने एक्टिव सेल पे जाना है, जहाँ पे एक्टिव सेल पे क्लिक है मेरा, वहाँ पे जाने के लिए आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन दबाएंगे, यहाँ पे बैक स्पेस जो आपके कीबोर्ड में होगा क्लिक करेंगे तो ये बैक टू एक्टिव सेल लेके आएगा। ये देखिए यहाँ पे ब्रैंक द एक्टिव सेल इनटू व्यू। नेक्स्ट है टैब ऑटो कंप्लीट फार्मूला, टैब बटन अगर आप दबाते हैं तो ये ऑटो कंप्लीट करता है फार्मूला को। जैसे यहाँ पे हैं और हम इन सब को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ फार्मूला जो हमको देना होगा
वो सम का फॉर्मूला देना होगा, इक्वल टू सम, यहाँ देखिए एस, जैसे ही एस हमने लिखा तो बहुत सारा फार्मूला यहाँ पे अपीयर हो गया है। यू लिखेंगे तो एस यू वाला सारा फार्मूला आ जाएगा, और हमको सम लिखना है तो सम पे हम क्लिक कर सकते हैं या डाउन बटन से आ सकते हैं, यहाँ से एरो डाउन से, और उसके बाद जब हम टैब बटन दबाएंगे तो ऑटो कम्प्लीट करेगा फार्मूला को। ऑटो कम्प्लीट कर दिया, और फिर हम अपना जो भी रेंज है वो रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे तो कंप्लीट करके दिखाया। नेक्स्ट आगे है कंट्रोल प्लस स्पेस बार या और कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो ये सेलेक्ट करता है इंटायर कॉलम और रो को। अगर आपने यहाँ पे क्लिक करके रखा है और अपने कीबोर्ड से जब कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो ये सेम कॉलम को सेलेक्ट करेगा पूरा, और अगर आपने शिफ्ट के साथ स्पेस दबाया तो सेम रो को सेलेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं सेम रो सेलेक्ट है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस टिल्ड या उसी जो कीबोर्ड में इसी वाले साइन में एक ग्रैब नाम का होता है या टिल्ड बोल सकते हैं, ये वन से पहले दिखता है आपको टैब बटन से ऊपर। इसको जब आप दबाएंगे तो सी ऑल फार्मूला, सारा फार्मूला दिखाई देगा आपके सीट में, जैसे इस वाले सीट में जो भी हमने फार्मूला यूज़ किया होगा वो फार्मूला आपको स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा जब आप कीबोर्ड से वो वाला बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ से हमने जब कंट्रोल और ये वाला बटन जब प्रेस किया तो फार्मूला अपीयर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जो कीबोर्ड के अंदर में है ये कुछ फार्मूला है, यहाँ है फार्मूला, तो ये सारा अपीयर है, ये है। अब फिर से हमको इसको डिसअपीयर करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ वही की को दोबारा प्रेस करना है और ये डिसअपीयर हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट अगला है मेरा जो 8 नंबर है वो ऑल्ट प्लस एफ वन। ऑल्ट प्लस एफ वन अगर आप दबाते हैं तो चार्ट इंसर्ट कराता है ये आपके सेलेक्टेड डेटा पे। जैसे हमने कोई डेटा लिया हुआ है, जैसे ये डेटा लिया है हमने, यहाँ पे कुछ फिल्टर लगा हुआ है, और ये डेटा पे हम चाहते हैं कि चार्ट बन जाए, तो डेटा को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम ऑल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे फंक्शन की नहीं है, तो फंक्शन की अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस F1, यहाँ पे दबाइए ऑल्ट प्लस F1 और ये चार्ट बना के दिखाएगा। देखिए और ऊपर में अगर ये सारा ऑप्शन अपीयर होता यहाँ से ये, तो आप देखते कि चार्ट का ऑप्शन डिज़ाइन करने के लिए खुल जाता है। यहाँ से हम इसको हाइड किए हुए हैं। नेक्स्ट डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F11 दबाने से इंसर्ट ए वर्कशीट। वर्कशीट ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट है, तो ऐसे ही और वर्कशीट चाहिए तो शिफ्ट के साथ F11 दबाना होगा। तो हमारे इस कीबोर्ड के पास फंक्शन की नहीं है तो इससे नहीं दबाते हैं हम, यहाँ पे अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 दबाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सीट 5 है, सीट 2 है, और जैसे ही शिफ्ट F11 दबाएंगे तो यहाँ पे एक अलग ही सीट आपको दिखाई देगा। जैसे ये 5 है तो 3 आ गया। नेक्स्ट एक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L जो लास्ट है मेरा, इसको दबाते हैं तो इनेबल द फिल्टर ड्रॉप डाउन, इनेबल हो जाता है फिल्टर वाला बटन। जैसे यहाँ पे आप 6 नंबर में देखते हैं तो ये जैसे बटन बना हुआ है, ये फ़िल्टर वाला बटन है जो इनेबल हुआ है, तो ऐसे ही हम जैसे इसमें इनेबल करना चाहते हैं तो डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर ले या डेटा में क्लिक करके रखें और कीबोर्ड से आपको दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन, तो ये अपीयर करके दिखाएगा। देखिए मूव द कर्सर टू वेयर यू वांट टू इंटर, आप कहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल, तो यहाँ पे बटन लग गया दिखा, देखिए ये बटन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टिप्स और ट्रिक के साथ।